वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास जारी। तवानाई के मनसूबों, साबिका दौर की बेज़ाब्तगियों पर काबीना की ब्रीफिंग, इंतजामी महकमों में मुलाज़मतों, सौरज़ा प्लान के अहदाफ़ ज़ाया, तालीम, इंडस्ट्री और नई लेबर पॉलिसी की मंजूरी का इम्कान। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, इजलास के हवाले कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इस वक्त जारी है और एक 24 नकाती भारी कम भरकम एजेंडा है जिसका काबीना आज जायजा लेगी। बुनियादी तौर पर आज सुबह में जो तवानाई के मंसूबे और साबिक दौर की बेज़ाब्तगियां, उस पर काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। काबीना के इजलास में ग्रेड 1 से 16 तक की जो इंतजामी महकमे में मुलाजमतों का मामला है वो ज़ेरे गौर आएगा। सौरज़ा प्लान को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि पंजाब काबीना ज़राअत, तालीम, इंडस्ट्री और लेबर के शोबों में भी आज अहम फैसले करने जा रही है। आज सुबह के लिए नई लेबर पॉलिसी की मंजूरी भी जो है आज काबीना के एजेंडे पे है, जबकि ज़राअत और इंडस्ट्री से मुतल्लिक अहम फैसले भी आज काबीना के सामने मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। एजुकेशन के हवाले से भी जो है मुतअद्दद कवानीन में तरामीम जो है उनकी मंजूरी ली जाएगी, जबकि मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स जो है वो उनकी भी आज काबीना के सामने उनको रखा जाएगा, ताकि वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी मंजूरी के बाद उन्हें पंजाब असम्बली में रेफर किया जा सके। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से जो कार्ड जारी होने हैं उसकी अमल दरामद रिपोर्ट भी आज काबीना के सामने जेर गौर आएगी, जबकि पंजाब में सेल्स टैक्स का जो एक मामला है वो एप्टमा के हवाले से सामने आया था, उसका भी जायजा लेकर वफाक को इस हवाले से सिफारिशात की जाएंगी। लेबर कॉलोनी की अलॉटमेंट का तरीकाकार वज़ा किया जाएगा, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी काबीना मुतअद्दद नकात का जायजा लेगी। जी।